गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल सब्जेक्ट जीके ऑफ क्लास 8, चैप्टर नंबर 41. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द मून. ठीक है, यहाँ मून के बारे में बताया जा रहा है. सो द मून इज अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट. मून जो है वो अर्थ का एकमात्र प्राकृतिक सैटेलाइट है. एंड द ओनली सेकेंड बॉडी ऑन विच मैन हैज सेट फुट. और ये एक अकेला, मतलब ये सेकेंड ऐसा बॉडी है जिस पर इंसानों ने अपना पैर रख लिया है, मतलब रख चुके हैं वो. द मून ऑर्बिट्स द अर्थ अबाउट एवरी 28 days एंड सॉरी एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 2,40,000 miles. इसका मतलब है जो हमारे अर्थ से इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, 2,40,000 miles. ओके, देन इट्स मास इज अबाउट 1/18th दैट ऑफ अर्थ एंड इट्स वॉल्यूम अबाउट 1/5. यानी इसका जो मास है, इसका द्रव्यमान जो है वो अर्थ का 1/18th है और जो इसका वॉल्यूम है वो 1/5 है. इट इज़ अबाउट 2,000 miles इन डायामीटर. डायामीटर में ये 2,000 miles में है. इट हैज़ नो एटमोसफियर एंड इट्स ग्रेविटी इज़ ओनली 1/6 दैट इज ऑफ अर्थ. और इसका जो यहाँ पे कोई एटमोसफियर नहीं है, इसमें ग्रेविटी भी लगभग अर्थ के हिसाब से 1/6 यहाँ पे बताया जा रहा है, लगभग है ही नहीं. यहाँ पे ग्रेविटी तो है ही नहीं. इट ओन्स इट्स हैवेली क्रिएचर्ड सरफेस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ मेटियोर्स एज वेल एज वॉल्केनिक एक्टिविटी. इट इज थॉट दैट द अर्थ एंड मून फॉर्म्ड सम 4,600 million years ago. मतलब ये एक प्राकृतिक, मतलब एक आकाशीय पिंड है जो कि यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, मतलब कि लावा वगैरह फूटते रहते हैं. और ऐसा कहा जाता है कि करीबन 4,600 million years ago पहले ही अर्थ और मून की जो है, मतलब ये खोजा जा चुका था, मतलब मिल चुके थे अर्थ और मून. मतलब पहले जो मिले थे यही अर्थ और मून ही खोजे गए थे. सेवर अदर प्लैनेट्स आल्सो हैव मून्स 20 more इन द केस ऑफ. इसी तरीके से बहुत सारे प्लैनेट्स, मून जैसे 200 और भी खोजे जा चुके हैं या फिर खोजे जा रहे हैं. ओके, सो ये कुछ चीज़ें थी मून के बारे में. इन दिस वे योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.